आप में से काफी सारे लोगों ने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की मूवी सीरीज को तो जरूर देखा ही होगा एंड मार्वल के फिल्म्स की तरह इंडिया के अंदर पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवीज काफी ज्यादा पॉपुलर है स्पेशली अमंग द यंगर जनरेशन एंड ये मूवी सीरीज मेरी भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। उस मूवी के अंदर जो मेन हीरो है उनका नाम है जॉनी डेप एंड आपने हाल ही के अंदर जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड के कोर्ट ट्रायल्स के बारे में तो कोर्ट केस के बारे में तो जरूर सुन ही लिया होगा अभी तक। लेकिन इस वीडियो का ना मकसद कुछ और है। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि इस केस के अंदर कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, वो आपका खुद का ओपिनियन है एंड वो कोर्ट का ओपिनियन है। इस केस को देखने के बाद एंड इसकी समरी को समझने के बाद मेरे को एक चीज रियलाइज हुई एंड मैं उसी के बारे में बात करने के लिए आज आपके सामने आया हूँ एंड आई एम हेयर टू टॉक अबाउट द सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी एंड द डिमोनिक माइंड ऑफ एम्बर हर्ड, जो ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाओगे। The actor is suing his ex-wife Amber Heard for $50 million over an op-ed she wrote about domestic abuse. Right, so Johnny Depp has the burden to prove this. Heard claiming her ex-husband physically and sexually assaulted her, allegations he denies. All I did was say sorry. No, I didn't want to leave him. I didn't want this to be the reality. I didn't want to. And I'm thinking to myself, what in the world is going on there? So we've already heard from Johnny Depp, of course. I felt ill. I felt sick. And the fact that it was coming down on me so hard. And then you notice people looking at you differently. जब एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप के ऊपर 50 मिलियन के डेफामेशन केस एंड एक अब्यूजिंग पर्सन का जब इल्जाम लगाया था ना एंड जब ये सारी बात कोर्ट तक चली गई थी तब जॉनी डेप की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन पार्ट 6 एंड फैंटास्टिक बीट्स के अंदर से उनको डिज्नी ने एकदम कट ऑफ कर दिया एंड बाकी उनकी जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्म आनी थी दूसरे स्टूडियोज के थ्रू वो सारे भी उन्होंने वापस ले ली बिकॉज सारे स्टूडियोज ने विदाउट एनी प्रॉपर जजमेंट ये फैसला लेने का सोचा बिकॉज किसी महान इंसान ने कहा है यू आर ऑलवेज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। जब जॉनी से इस चीज के ऊपर पूछा गया तो ही एक्सप्लेन्ड दैट ही इज ऑल्सो रियली सैड अबाउट इट एंड उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इस केस के कारण उन्होंने सब कुछ खो दिया अपना ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस केस एंड बिकॉज ऑफ दिस फाइट। व्हाट हैव यू लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ मिस हर्ड मेकिंग दीज एलिगेशंस अगेंस्ट यू? नथिंग लेस देन एवरीथिंग, नथिंग लेस देन एवरीथिंग। मेजर मूवीज, मेजर ब्रांड डील्स, रेप्यूटेशन, जॉनी डेप की ये सब तो जा ही रही थी लेकिन ऑन दी अदर हैंड एम्बर हर्ड वॉज गेनिंग बिकॉज ऑफ दिस। एम्बर के केस को यूएस के मेजर पब्लिकेशन से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला एंड उन्होंने विक्टिम कार्ड को खेल कर एक बार के लिए तो सभी लोगों के दिल में अपने लिए दया बना ली थी। जॉनी डेप इस केस के फाइल होने के बाद वुमेन अब्यूजर, वाइफ अब्यूजर एंड मॉन्स्टर मैन के नाम से बुलाए जाने लग गए थे लेकिन ट्रू रियलिटी कुछ और ही थी। जैसे जैसे कोर्ट के ट्रायल्स के दिन आगे बढ़ते गए वैसे वैसे दोनों साइड्स ने अपने अपने एविडेंसेस शेयर करना शुरू कर दिए कोर्ट के अंदर एंड जब ये एविडेंसेस पास होते गए एंड शोकेस होते गए वैसे वैसे पता लगने लगा कि अब्यूजर जॉनी डेप नहीं बल्कि एम्बर हर्ड खुद हो सकती है एंड जब जॉनी डेप एंड उनके लॉयर्स के एविडेंसेस एम्बर हर्ड की टीम के ऊपर भारी पड़ने लगे तो एम्बर हर्ड के ऊपर उनके ही क्लेम्स, उनके ही एविडेंसेस उनके ही ऊपर भारी पड़ना शुरू हो गए थे एंड एम्बर हर्ड की हरकतों की जब कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियो एविडेंसेस को जब जॉनी डेप के लॉयर बेन च्यू ने जज के आगे शोकेस किया तब एक बात कन्फर्म हो गई थी कि एम्बर हर्ड वॉज द वन हु वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ डिमोनिक माइंड। जो इनकी पहली वॉइस रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर पता चला कि जब जॉनी एंड एम्बर की एक फाइट हुई थी उसके बाद जब ये रिकॉर्डिंग करी गई थी तब उसके अंदर एम्बर हर्ड ही थी जो जॉनी डेप को ह्यूमिलिएट करती हुई नजर आती है एंड चिराती हुई सुनाई देती है।
ये तो कुछ भी नहीं था। एट वन पॉइंट एम्बर हर्ड अपनी लिमिट्स को एकदम क्रॉस कर देती है एंड कोर्ट ट्रायल्स के अंदर पेश करे गए एविडेंसेस एंड मेडिकल रिपोर्ट्स के थ्रू ये पता चला जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड की एक फाइट के दौरान थिंग्स इतनी ज़्यादा हीट अप होने लग गई थी कि उन्होंने एक वॉडका बोतल, एक कांच की वॉडका बोतल को फुल फोर्स के साथ जॉनी डेप के ऊपर मार दिया एंड वो वॉडका बोतल सीधा इंपैक्ट करती है जॉनी डेप की मिडल फिंगर के ऊपर एंड इसी वजह से जॉनी डेप की वो वाली फिंगर ऑलमोस्ट उस दिन 100% डिस्ट्रॉय हो गई थी एंड उन्हें फॉरन मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया था वरना शायद वो हमेशा के लिए अपनी फिंगर को खो बैठते। जॉनी ने ये भी बताया कि जो वो वॉडका बोतल उनके ऊपर फेंकी गई थी वो इतनी ज़्यादा हैवी एंड ब्रूटल इम्पैक्ट के साथ उनकी फिंगर पे लगी कि उनको लिटरली अपनी उस फिंगर की हड्डी तक दिखने लग गई थी एंड बहुत ज़्यादा ब्लड तो ऑब्वियसली निकल ही रहा था। लेकिन उनको इतना ज़्यादा हैवीली डैमेज करने के बावजूद भी एम्बर हर्ड का डेमोनिक माइंड तो बस यहीं पर शुरू ही हुआ था। फाइनली कोर्ट के अंदर जैसे जैसे ट्रायल्स के दिन बीत रहे थे वैसे वैसे एम्बर का डार्क ट्रुथ भी बाहर आए जा रहा था जैसे जैसे उनके खिलाफ उनके विटनेसेस ने गवाही देना शुरू करा था। फिर चाहे वो उनके बॉडीगार्ड हो, उनके मैरिज काउंसलर हो या उनका कोई दोस्त, एम्बर हर्ड का डिमोनिक बिहेवियर एंड असली सच बाहर आना शुरू हो गया था एंड इस टाइम तक एम्बर हर्ड अपनी साइड लूज करना भी शुरू कर देती हैं। जॉनी एंड एम्बर के फाइट के कुछ विटनेसेस स्पेशली उनके बॉडीगार्ड्स ने यह तक भी क्लेम किया था कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती थी एंड एम्बर हर्ड ही होती थी जो उन लड़ाइयों को शुरू करती थी एंड अगर शुरू नहीं भी करती थी तो छोटे से छोटे टॉपिक को वो बहुत ज़्यादा ह्यूज बना देती, बहुत ज़्यादा ब्रूटल बना देती थी। At one point, Miss Hurd threw something else. Either a purse or some sort of bag or something that she had up there. I was able to knock it away so it didn't hit him. At one point she spit at him. And at some point I witnessed Miss Hurd throw a Red Bull can. Yeah, and then just a lot of verbal vitriol from both of them. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं एंड मैं आपको एम्बर हर्ड की ही सारी कहानी सुनाकर मैनिपुलेट नहीं करना चाहता। जॉनी डेप की भी कुछ ऐसी वीडियोस लीक हुई थी जिसके अंदर हमें उनकी एग्रेसिवनेस एंड क्रूअल नेचर का एक एग्जांपल देखने को मिल जाता है, सच एज दिस वन जिसके अंदर जॉनी डेप अपने किचन एरिया के कैबिनेट ड्रॉर्स को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली एंड गुस्से के अंदर मारते हुए दिखाई देते हैं। Did something happen to you this morning? I don't think so. एक और रिकॉर्डिंग भी थी जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि इवन दोपहर के टाइम में भी जॉनी डेप बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग कर रहे थे एंड उनके स्टूडियोज़ में जहाँ वो काम किया करते थे वहाँ पर बैग्स ऑफ बैग्स पड़े होते थे ऐसी ऐसी ड्रग्स के जिनसे उनको प्लेजर मिलता था, ड्रग्स सच एज कोकेन, मैरिजुआना एंड इवन एल्कोहल्स की भी बहुत सारी बॉटल्स उनके स्टूडियोज़ के अंदर रखी होती थी एंड ये सारी चीज़ें एज अ एविडेंसेस एज सम प्रूफ्स भी कलेक्ट किए गए थे एम्बर हर्ड की टीम की तरफ से जब कोर्ट के अंदर उन्हें शो किया गया था।
लेकिन इसके अलावा जॉनी डेप की ना एक कन्वर्सेशन, एक व्हाट्सएप मैसेज की कन्वर्सेशन भी लीक हुई थी पॉल बेटनी नाम के उनके एक दोस्त के साथ। पॉल बेटनी आप शायद विजन के नाम से जानते होंगे, जो मार्वल फिल्म्स में भी काम कर चुके हैं। एंड अपनी वाइफ एम्बर हर्ड के लिए उन्होंने पॉल बेटनी के साथ कुछ ऐसी कन्वर्सेशन कर रखी थी। मिस्टर डेप, यू टेक्स्ट मिस्टर बेटनी, लेट्स बर्न एम्बर, 3 exclamation points, राइट? यू से Let's drown her before we burn her. I will f*** her burnt corpse afterwards to make sure she is dead. Did I read that right? You certainly did, yes. And you wrote that about the woman who would later become your wife. Yes, I did. अब इतने एक्सट्रीम प्रूफ्स देखने के बाद शायद आपके मन में फिर से एक डाउट आना शुरू हो जाएगा कि क्या सच में जॉनी डेप ही तो नहीं है जो एम्बर हर्ड को अब्यूज कर रहे थे, एंड जैसा कि लोग बोल भी रहे थे। लेकिन अगर ऐसा होता तो तब भी जॉनी डेप ये केस लड़ने ही क्यों आए? वो 50 मिलियन देकर अपना पीछा भी तो छुड़वा सकते थे। बिकॉज जॉनी डेप की हैबिट्स चाहे कितनी ही बुरी हो, उनका बिहेवियर कितना ही बुरा हो, उनका गुस्सा चाहे कितना ही एक्सट्रीम हो, एंड मे बी वो शायद अपनी वाइफ के साथ ऊंची आवाज में बात करते हो, एंड मे बी जितनी भी गलत चीजें हैं उनके अंदर, लेकिन उन्होंने एम्बर हर्ड या किसी भी वुमेन के ऊपर ना कभी हाथ उठाया है एंड ना ही कभी उन्हें सेक्सुअली हरास किया है, जैसा कि एम्बर हर्ड के इस केस के अंदर दावा किया जा रहा था। एंड इसी चीज को प्रूव करने के लिए एंड फुल स्टोरी ऑफ द पिक्चर को रिवील करने के लिए जॉनी डेप स्टेप्ड आउट टू फाइट दिस केस। जॉनी डेप ये वाला केस अपनी एंजल एंड अपनी पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो बस ये चाहते थे कि एम्बर हर्ड जो दुनिया को दिखाना चाह रही थी, लोग सिर्फ वो ही देख कर ना उनके ऊपर उंगली उठाने लग जाएं। और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मिली थी एम्बर हर्ड एंड जॉनी डेप के फाइट्स के बाद, जो खुद जॉनी डेप ने ही सीक्रेटली रिकॉर्ड करी थी, एंड उनको सुनने के बाद ऐसा लगने लगता है फिर से कि एम्बर हर्ड इज द वन हु इज द अब्यूजर एंड नॉट जॉनी डेप, बट जॉनी डेप वॉज डेफिनेटली द सफरर। I did start a physical fight. Yeah, you did, so I had because, to get out of there. Yes, you did. So you did the right thing, the big thing. You know what? You are admirable. लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू फ्यू मोर डेज, अब स्टोरी फिर से बदलती जा रही थी एंड एम्बर हर्ड के अपने खुद के फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स जॉनी डेप की साइड होने लग गए थे इस केस के अंदर। पता चला कि सिर्फ जॉनी डेप ही नहीं है जिसके साथ एम्बर हर्ड ने एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप बनाकर रखा हुआ था। बाद में एम्बर हर्ड की एक एक्स असिस्टेंट की वीडियो भी वायरल होने लगी, जिसको देखने के बाद पता चला कि एम्बर हर्ड अपनी एक्स असिस्टेंट को भी बहुत ज़्यादा गालियाँ एंड वर्बली अब्यूज किया करती थी, एंड एम्बर हर्ड उनके लिटरली मुंह तक पर थूक जाती थी अगर उनकी एक्स असिस्टेंट उनसे सैलरी इंक्रीज की बात करने लगती थी। I specifically remember standing in her office where she leapt up out of her chair, put her face approximately 4 inches from my face. She was spitting in my face and telling me how dare I ask for the salary I was asking for, which was in fact approximately half of my regular annual salary. USA Today का एक आर्टिकल भी मिला मुझे जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि टायसा वैनरी, जो एम्बर हर्ड की एक टाइम में बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, उनको भी एम्बर हर्ड ने एक छोटी सी लड़ाई के दौरान काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई थी, जिसके अंदर उन्होंने उनका हाथ मोड़ दिया था एंड हाथ पर कुछ पंचेस भी थ्रो किए थे। और इतना ही नहीं, जॉनी के साथ एक और लड़ाई के बाद खुद को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर जॉनी से रिवेंज लेने के लिए, कुछ भी कारण हो सकता है, एम्बर हर्ड ने अपना वेस्ट मैटर, इन सिंपल टर्म्स अपनी पूप को जॉनी डेप की बेड के साइड में ही कर दिया और मे बी वहां पर फेंक दिया। It's a photograph of the bed, our bed, and on my side of the bed, was human fecal matter. एम्बर हर्ड को अपने पिछले डिवोर्स के थ्रू भी $7 मिलियन मिले थे, एंड एम्बर हर्ड ने सभी पब्लिक के सामने प्रॉमिस किया था कि वो इन पैसों को डोनेट कर देगी, बिकॉज एम्बर हर्ड ये दिखाना चाहती थी कि वो सच में अपने हस्बैंड से परेशान थी, इसलिए उन्होंने डिवोर्स लिया, ना कि इसलिए क्योंकि वो पैसों के पीछे थी। एंड ये प्रूव करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस तो किया था कि वो डोनेट करेंगी, लेकिन बाद में पता चला कि जिन फाउंडेशंस के अंदर ये सारा पैसा जाने वाला था, उसके अंदर 7 मिलियन तो छोड़ो, 7 लाख के आसपास भी अमाउंट नहीं आया था।
जब कोर्ट के अंदर एम्बर हर्ड एंड उनकी टीम के पास एविडेंसेस खत्म होना शुरू हो गए थे, तो एम्बर हर्ड ने अपनी बैड एक्टिंग स्किल्स, वुमेन कार्ड एंड विक्टिम कार्ड को खेलना शुरू कर दिया था। एंड लोगों ने एंड बहुत सारे बॉडी लैंग्वेजेस एक्सपर्ट्स ने जब इस कोर्ट केस को, एम्बर हर्ड की स्टोरी को एनालाइज करने की कोशिश करी, तो उन्होंने ये भी दावा किया कि जब एम्बर हर्ड अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुना रही होती थी कोर्ट के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा बनावटी लगती थी एंड एकदम ऐसे फील होता है मानो जैसे वो जो भी बोल रही हैं एकदम अनरियल हो। Because God, did he just hit me? No, I didn't want to leave him. I didn't want this to be the reality. I didn't want to have the man I was in love with. I know you don't come back from that. You know, I'm not dumb. I know you can't hit a woman. You can't hit a man. You can't hit anyone. You can't just... इवन एक प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट ने एम्बर हर्ड की स्टोरी एंड कोर्ट ट्रायल्स की वीडियोस के ऊपर अपना एनालिसिस भी दिया था एंड उससे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें साबित होना शुरू हो गई थी। When she tries to recall the emotional situations, it seems very manufactured. And something nobody has mentioned that I see is the breathing. The breathing is really manufactured. It's like when we're hyperventilating. And doing it consciously, it doesn't seem to come from an emotional thought. It's more coming from the body is trying to create the emotional thought. It's the wrong way around. And there are some incongruences, like when she puts the hanky up, one would normally blow one's nose because there's moisture, but she actually puts the hanky up and breathes in. And then the crinkling up of the face down, It that's fine, but it comes and goes and comes and goes, not in a natural progression. Amber Heard ने ये केस सिर्फ पैसों के लिए एंड जॉनी डेप को डिफेम करने के लिए ही ठोका था, ऐसी स्पेकुलेशंस अब सामने आने लगी एंड लोग ऐसा सोचने लग गए थे एंड इस टाइम तक एम्बर हर्ड की तरफ हेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उनकी अपकमिंग बहुत ज़्यादा बिग एंड ह्यूज फिल्म एक्वामैन 2 से लोग उन्हें हटाना चाहते हैं एंड इसके लिए ऑलरेडी पिटीशन भी साइन हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस टाइम तक उस पिटीशन को साइन कर चुके हैं। एंड अगर जॉनी डेप ने सब कुछ खो दिया है इस केस के कारण, सो आई थिंक लॉ ऑफ कार्मा अब एम्बर हर्ड को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर रहा है। खैर, एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग ये केस अभी तक चल रहा है एंड शायद आगे अभी काफ़ी टाइम तक चल भी सकता है। अगर एम्बर हर्ड इस टाइम पर भी अपनी बैड एक्टिंग एंड फेक स्टोरीज को छोड़कर कुछ रियल एविडेंसेस, कुछ रियल प्रूफ्स दिखाए जॉनी डेप के अब्यूज़ के अगेंस्ट, तो शायद ये केस रिवर्स अराउंड कर सकता है, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि आप लेटेस्ट कोई भी ट्रायल उठाकर देख लो, आप उसके अंदर एक चीज़ नोटिस करोगे कि एम्बर हर्ड के लॉयर्स एंड उनकी सपोर्टिंग टीम अब ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी है। मे बी एम्बर हर्ड ने उन्हें भी धमका रखा होगा एंड उन्हें भी मारा पीटा होगा, जिसकी वजह से उनके लॉयर्स इसको लंबा खींचने की कोशिश तो कर रहे हैं बट उनके पास कुछ एक्चुअल प्रूफ्स नहीं बचे हैं। डॉक्टर शैनन करी, जो जॉनी डेप की टीम से एक विटनेस थी, उन्होंने ये भी बताया कि एम्बर हर्ड की मेडिकल रिपोर्ट्स को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि एम्बर हर्ड शायद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की बीमारी से जूझ रही हो सकती हैं। एंड अगर आप एम्बर हर्ड के ट्रायल्स को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, तो आपको भी ये चीज़ फील होगी कि एम्बर हर्ड अपना करेक्टर बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश करती है। एंड अगर आपको याद होगा तो ऐसा कुछ केस हमारे इंडिया के अंदर भी कुछ टाइम पहले आया था, जिसके अंदर प्रिया दर्शनी नारायण नाम की एक लड़की ने एक कैब ड्राइवर के ऊपर 22 थप्पड़ लगा दिए थे लखनऊ के पब्लिक रोड के ऊपर। एंड जब प्रिया के इंटरव्यूज बाहर आने लगे, तो उनकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी एक्शन फैंटेसी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रही हो एंड इस चीज के ऊपर उनका काफी ज्यादा मजाक भी बना था, जस्ट लाइक एम्बर हर्ड का इस टाइम पर बन रहा है। आप दोनों को कंपेयर करके देख लेना, आप खुद समझ जाओगे। आपको पता है कि 2018 में जब एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप के ऊपर ये केस फर्स्ट टाइम फाइल किया था, तो लोग बिना प्रूफ्स के, बिना उन शोन एविडेंसेस के वैलिड साबित होने से पहले जॉनी को वुमेन अब्यूजर एंड मॉन्स्टर मैन क्यों बुला रहे थे? आई विल टेल यू, बिकॉज जॉनी डेप की एक गलती रह गई थी कि जॉनी डेप इज अ मैन, जॉनी डेप एक आदमी है। हमारी सोसाइटी यही सोचती है कि ऑल द अब्यूजर्स आर मेल एंड अब्यूज्ड आर फीमेल्स,
इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो एंड तक आते आते समझ जाओगे अबाउट द डिमोनिक माइंड ऑफ एम्बर हर्ड एंड सैड ट्रुथ एंड सैड रियलिटी ऑफ आर सोसाइटी। वेल कॉल मी बायस्ड और एनीथिंग, मैं तो खुद जॉनी डेप की ही साइड हूँ एंड मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो इस केस को जीतें एंड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन फ्रॉम इनसाइड वापस अपनी लाइफ को शुरू करें। आप लोग भी जरूर बताना कि आप किसकी साइड हो एंड इस केस के ऊपर आप लोग क्या सोचते हो। क्या सच में एम्बर हर्ड ने सिर्फ पैसों के लिए इस केस को फाइल किया था? और मे बी वजह इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। आपको क्या लगता है? वेल अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर कर देना एंड शेयर तो जरूर करना ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी पता चले इस केस के ऊपर एक नए पर्सपेक्टिव का, उन्हें आइडिया मिल पाए। हर वीडियो में बोलता हूँ लेकिन आप फॉलो नहीं करते हो, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @mountsider पर। वहाँ पर मैं ऐसा कंटेंट डालूंगा जो आप सच में मिस नहीं करना चाहते, तो जरूर याद से पहले ही फॉलो करके रख लो ताकि आप बाद में मिस ना कर दो। इतना सब कुछ करने के बाद आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कि सब आप मेरे पर छोड़ दो।